हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई हो आप? अच्छे होंगे, मैं भी हूँ अच्छी। आप कैसे हो? और मैं आ गई हूँ रसोई में नहा धो के। तो आज मैं बनाऊंगी कटहल की सब्जी। तो ये देखो, हमारे लगा था आटा, तो मैंने साफ कर लिया है। क्योंकि सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आके आटा गूंथती हूँ। सबसे पहला मेरा काम होता है आटा गूंथना। आटा गूंथ के रख देती हूँ तो वो सही हो जाता है। फिर उसके बाद मैं अपने पी है चाय भुजिया के साथ। क्योंकि मेरी चाय इसलिए काली होती है क्योंकि मैं दूध वाली चाय ज़्यादा नहीं पीती हूँ, क्योंकि मुझे काली चाय पसंद है, इसलिए मैं काली चाय पीती हूँ। और ये पीने लगी हूँ चाय। चाय पी के मैं बनाऊंगी सब्जी। तो ये आ गई रसोई में मैं। कटहल डैडी जी लेके आए थे शाम को कटहल, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। तो ये देखो, पंखा बंद कर दिया तो पसीना कितना हुआ है मेरे मुंह में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आता है गर्मियों में मेरे, और सबसे ज़्यादा मुंह पर मेरे पसीना आता है, और मेरा रंग भी काला हो जाता है गर्मियों में। सबका साफ होता है लेकिन मेरा रंग काला हो जाता है गर्मियों में, पसीना पहुँच पहुँच के। तो ये मैंने रख दिया है पानी इधर गरम होने के लिए, क्योंकि इसमें मैं डाल दूंगी हल्दी गरम होने के लिए। मैं बॉईल करके बनाऊंगी कटहल, क्योंकि डैडी जी हैं, जो डैडी जी को सॉफ्ट चीज़ पसंद है। डैडी हमारे हर एक चीज़ घुली हुई पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं डैडी करके ही बना रखी हूँ। डैडी की जी के दांतों में प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं उबाल के बनाऊंगी। यानी कि उबाल के क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है कटहल। तो इसमें मैं मेथी दाना और डालना था, लेकिन मेथी दाना है नहीं आज, तो बस हल्दी डाल दी मैंने, वो हल्का सा नमक डाला है। तो कटहल मैं बॉयल कर लूँगी। तो देखो मेरा मुंह पसीना पसीना होए पड़ा है। तो इधर मैंने चाय के जो बर्तन थे वो भी निकाल दिए हैं, और इधर उबलने के लिए रख दिया है मैंने कटहल। तो ये देखो मैं चला रही हूँ कि देख रही हूँ कि उबल गया कि नहीं, क्योंकि इसको उबाल लेती हूँ। क्योंकि सीटी नहीं लगाई, क्योंकि सीटी अगर लगाऊंगी तो ज़्यादा उबल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा भी उबला नहीं चाहिए मुझे। तो बस सॉफ्ट हो गया है, उबल गया है वैसे तो। तो डैडी जी तो बहुत पसंद करेंगे आज हमारे, क्योंकि मैंने आज उबाल के बनाया। तो ये मैंने प्याज लिया है, हींग ली है, और मैं खड़ी धनिया इसमें पीसूंगी, क्योंकि मैं टमाटर नहीं डालती हूँ कटहल में, क्योंकि टमाटर मुझे पसंद नहीं है कटहल में, तो इसलिए हम लोग नहीं डालते हैं। तो नमक भी ले लिया मैंने, तो ये करूँगी ग्राइंड में। तो सूखी मिर्च भी डाल रही हूँ, हरी मिर्च भी काटी है तड़के के लिए मैंने। तो ये देखो मेरा सॉफ्ट हो गया बिल्कुल उबल के, ये देखो सारा ही सॉफ्ट हो गया है कटहल। तो आज डैडी जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और मैंने डाल दिया तेल। तो ये मेरे तड़का काट लिया है मैंने, हरी मिर्च और प्याज, और मैंने ये काटा हुआ है, ये मैंने जीरा लेने लगी, जीरा और हींग का लगाऊंगी तड़का। तो ये देखो तड़का लगा दिया, ये भी डाल दूंगी साथ में ही जीरा के। तो इसको अच्छी तरह मैं भूनूंगी, 2-3 मिनट तक भूनूंगी। भून के के बाद मैं डाल दिया है जो पिसा हुआ मसाला, इसमें है हल्दी, तो मैंने पहले डाली थी लेकिन हल्दी थोड़ी डालूंगी। हल्दी, नमक और मिर्च और खड़ी धनिया है इसमें, हींग वगैरह है, सारा कुछ डाल के ग्राइंड करी। और ये मैं भून, मेरा मसाला भून चुका है, तो मैंने ये डाल दिया है कटहल उबला हुआ। तो इसको मैं अच्छी तरीक़े से मिक्स कर दूंगी सारे मसाले को। मेरा मसाला भी भून चुका है और मेरा कटहल देखो, ये मैं अच्छी तरीक़े से मिक्स करके चला दूंगी। तो ये मेरा कटहल बन के हो गया रेडी, क्योंकि ये डैडी जी के लिए है कटहल स्पेशल। क्योंकि अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है तो इस तरह कटार बना दें तो वो खा लेंगे आराम से, क्योंकि मेरे डैडी जी के भी दांतों में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं ये कटार बनाया। तो प्लीज़ कैसा लगा बताएं आप मेरे कटार को देख के, और आप मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच करें प्लीज़, और कमेंट करें कैसा लगा। और सब लोग प्लीज़